वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है वीकेंड लॉकडाउन का। और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो उन्हीं दुकानों को अनुमति दी गई है। लेकिन अच्छी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि जिस चीज़ को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था उसका असर भी दिखने लगा है। अंशुलगर जो DC जम्मू है उन्होंने उनकी तरफ से ये सीधे तौर पर कहा गया है कि सिचुएशन की जाँच की गई है, ऑन ग्राउंड क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, कितने केसेस जो हैं अब नेगेटिव हो रहे हैं, जो पहले पॉजिटिव थे उसमें काफ़ी ज़्यादा अब अच्छी खबरें देखने को मिल रही हैं। नमस्कार, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट इस वीक 4% के आसपास पहुंच चुका है, जो पिछले हफ्ते तकरीबन 6% था। कॉन्स्टेंटली हमारी कोशिश चल रही है कंजेशन को टैकल करने की, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने के लिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बार बार हर जगह पर इन्फोर्स करने की हमारी कोशिश चल रही है। लेकिन इस हफ्ते जैसे अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कहीं कहीं मार्केट प्लेसेस में कंजेशन देखने को मिला है। हमारी टीम्स कंटिन्यूसली डिप्लॉयड हैं, लोगों को अपील भी कर रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। लेकिन मैं अपील भी एक लोगों से करना चाहूँगा कि हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। भले ही मार्केट प्लेसेस 50% रोस्टर्स पे ओपन हैं, लेकिन फिर भी डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो इसी के लिए घर से बाहर निकलें, ताकि हमारा ये जो कर्व इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है ये और बेहतरी की तरफ जाए और इस प्रॉब्लम से हम परमानेंटली बाहर आ सकें। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कंटिन्यूस बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, 45+ कैटेगरी के लिए भी और 18 से 44 के टारगेटेड ग्रुप्स के लिए भी। 45+ के लेफ्ट आउट्स के लिए और दिव्यांगजन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्पेशल सर्वे फॉर्म निकला हुआ है। मैं अपील करना चाहूँगा सभी लेफ्ट आउट लोगों से और दिव्यांगजनों से जिन्होंने अपना फर्स्ट डोज नहीं लिया है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे एक सिंपल सा फॉर्म भर सकते हैं ताकि उनके लिए स्पेशल सेशन प्लान किया जा सके। 18-44 कैटेगरी के लिए जो कोवैक्सीन डोजेस की साइट्स थी उनको भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाकर 1-3 कर दिया गया है, ताकि ऑनलाइन जो स्लॉट बुकिंग है लोगों के लिए और कंफर्टेबल हो सके और लोग अपने स्लॉट्स को ऑनलाइन प्री बुकिंग करवा कर अपने वैक्सीनेशन साइट्स पर पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही जो कोवैक्सीन के सेकेंड डोजेज हैं उनके लिए भी जो 5 डेडिकेटेड साइट्स हैं वो भी चल रही हैं, ताकि जिसके पास भी सेकेंड डोज की जब भी एलिजिबिलिटी हो तो इन साइट्स पर जाकर अपना सेकेंड डोज ले सकते हैं। पंचायत लेवल के कोविड केयर सेंटर्स हमारे 305 पंचायत में एक्टिवेटेड हैं, हमारे पास 70 टेस्टिंग टीम्स डिप्लॉयड हैं इन सभी पंचायत्स को केटर करने के लिए। हमारे रूरल एरियाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द जब भी उनको ज़रूरत महसूस हो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, अगर कभी भी सिम्टोमेटिक वो फील करते हैं, और इन्हीं पंचायत कोविड केयर सेंटर्स का फ़ायदा ले सकते हैं आइसोलेशन के लिए, और हमारी मेडिकल सुपरविजन के अंदर उनकी देखरेख होगी और कोविड किट्स भी उनको उपलब्ध कराई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड के रिलेटेड कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, फीडबैक के लिए आप हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, जिसकी हेल्पलाइन नंबर्स हमारे ट्विटर हैंडल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर डिस्प्लेड हैं, वहाँ कभी भी 24 घंटे में कॉल कर सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके अंदर जो भी आपको फैसिलिटेशन चाहिए वो तुरंत आपके घर पर ही उपलब्ध कराई जाए। आप सभी लोगों की कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।